नमस्कार, झारखंड के संथाल प्रगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं, उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। सो रहे 7 मजदूरों को नक्सलियों ने पहले कब्जे में लिया, फिर नए थाना भवन को बम से उड़ा दिया। गुमला से 75 किलोमीटर दूर चैनपुर प्रखंड स्थित कुरुमगढ़ थाना के नए भवन को माओवादियों ने गुरुवार की रात 12:15 बम से उड़ा दिया। भवन का आधा हिस्सा ध्वस्त हो गया। भवन में 7 मजदूर थे। नक्सलियों ने पहले मजदूरों को भवन से बाहर निकाला और अपने कब्जे में लिया। उसके बाद भवन को करीब 200 किलो विस्फोटक लगाकर विस्फोट कर उड़ा दिया। जिस स्थान पर नया थाना भवन बना है वहां से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर कुरुमगढ़ का अस्थायी थाना है। बिहार झारखंड के सबसे गरीब इस राज्य में सबसे कम गरीबी, जानिए क्या कहता है नीति आयोग का इंडेक्स। नीति आयोग ने हाल ही में फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है। इसके मुताबिक बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश भारत के सबसे गरीब राज्यों के रूप में उभरे हैं। इतना ही नहीं, आयोग की इस रिपोर्ट में केरल, गोवा, सिक्किम को सबसे कम गरीब वाला राज्य बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 51.91% जनता गरीब है, वहीं झारखंड में 42.16% तो उत्तर प्रदेश में 37.79% आबादी गरीब है। वहीं इस लिस्ट में चौथा नंबर मध्य प्रदेश का आता है। एमपी में 36.65% आबादी गरीब है। वहीं इस लिस्ट में मिजोरम 32.67% गरीब आबादी के साथ 5वें नंबर पर आता है। सीएम हेमंत सोरेन ने किया पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का प्रतिमा का अनावरण, सरकारी योजनाओं में भी दी जानकारी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आज अपने एक दिन का दौरे गढ़वा आए थे। यहां पर उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में स्वीकृत की और साथ ही स्थानीय जनता को संबोधित करते हुए कई योजनाओं की सौगात दी। सीएम हेमंत सोरेन नवनिर्मित घंटाघर का उद्घाटन किया और निर्माण व्यक्ति पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मूर्ति का अनावरण भी किया। इस मौके पर स्थानीय क्षेत्र के विधायक व मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी मौजूद रहे। मांडर के पूर्व विधायक व सिलागाई के मुखिया ने रच दी उपद्रव की साजिश, आदिवासियों को भड़काया। रांची जिले के चानो थाना क्षेत्र स्थित सिलागाई में निर्माणाधीन एकलव्य विद्यालय में हजारों की भीड़ का हमला, तोड़फोड़ व पुलिस पर पथराव के मामले में रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट सौंप दी। उपायुक्त ने जांच रांची के एसपी ग्रामीण व एसडीओ सदर की संयुक्त टीम ने कराई थी। जांच रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि मांडर के पूर्व विधायक देव कुमार धान, सिलागाई के मुखिया बुधराम उराव, नारायण उराव, मंगलेश्वर थाना भगत पंचोर आदि ने एकलव्य विद्यालय के निर्माण की एक साजिश रची और हजारों की भीड़ जुटाकर हमला हुआ तोड़फोड़ करवाई। इन लोगों ने शहीद वीर बुधु भगत के स्मारक टोंगरी से छिड़ाकर आधार बनाकर लोगों को एकजुट किया। प्रोन्नति पर लगी रोक हटाने को सीएम हेमंत सोरेन की मंजूरी, एक साल बाद हुआ प्रमोशन का रास्ता साफ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्मिक विभाग के मंत्री के तौर पर राज्य में सभी विभागों की प्रोन्नति पर लगी रोक हटाने पर सहमति दे दी है। नियमानुसार अब मुख्यमंत्री के रूप में भी उनके द्वारा फाइल पर स्वीकृति देने की प्रक्रिया चल रही है। मुख्य सचिव के माध्यम से फाइल मुख्यमंत्री के पास भेजी जा रही है। झारखंड में 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, इन मामलों का होगा निपटारा, इन नंबरों पर ले सकते हैं विशेष जानकारी। 11 दिसंबर को राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इसके तहत राज्य की सभी अदालतों में मामलों का निपटारा किया जाएगा। कोर्ट में लंबित मामलों के साथ वैसे मामलों का भी लोक अदालत में निपटारा किया जाएगा जो अभी कोर्ट नहीं पहुंचे हैं। लोक अदालत के मामलों को भेजे जाने के लिए आपसी सहमति बनाई जा रही है। सहमति बनने के बाद मामलों को लोक अदालत में अंतिम निपटारे का भेज दिया जाएगा। झालसा ने सभी जिलों को विधिक सेवा प्राधिकार को इसकी तैयारी करने का निर्देश दिया है। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना का ऐसा हाल, 4-5 साल बाद भी अधर में लटका है निर्माण। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाके में 4-5 साल पहले शुरू हुए आवास भी अब तक पूरे नहीं हुए हैं। वर्ष 2016-17 और इसके बाद के वर्षों में इन आवासों का काम शुरू हुआ था। पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में शुरू हुए आवासों का काम भी धीमा है। विभाग ने इन आवासों को विलम्ब से चल रही योजना की श्रेणी में रखा है। 5 वर्षों में कुल 1,37,910 आवास पूरे नहीं हुए हैं। झारखंड में ऑल इज वेल, जाने क्या कहता है स्वास्थ्य मंत्रालय का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। स्वास्थ्य मंत्रालय के वर्ष 2020-21 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे
5 की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इसमें महिला स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, संस्थागत प्रसव, नियमित टीकाकरण, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और परिवार नियोजन आदि को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य के ज्यादातर क्षेत्रों में झारखंड के लिए विश्वसनीय आंकड़े जारी किए गए हैं। निजी स्कूलों को टक्कर देंगे ये सरकारी विद्यालय, बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भवन। राज्य के सरकारी स्कूल आने वाले दिनों में निजी स्कूलों को टक्कर देंगे। राज्य सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है। राज्य के 80 सरकारी स्कूलों को शिक्षा का उत्कृष्ट केंद्र बनाने का काम शुक्रवार को शुरू हो गया है। राज्य के सभी जिलों में शुक्रवार को एक साथ विद्यालयों का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। विद्यालयों के नवनिर्माण पर 310 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बाइक सवार 2 युवकों को हवा ने कुचला, मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने फूंका वाहन। गोड्डा जिले के पथरगामा प्रखंड अंतर्गत गांधीग्राम परसवानी रोड में शुक्रवार की देर शाम केरावार गांव के मोड़ पर पास गिट्टी लेकर राजा भिटा जा रहा हाईवा ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचलकर मार डाला। इधर हादसे के बाद काफी संख्या में आसपास के ग्रामीण वहां जुट गए। सूचना पर मृतकों के गांव जामजोरी से भी लोग वहां पहुंच गए और दुर्घटनाग्रस्त हाईवा को आग लगा दी। ग्रामीणों की ओर से वहां रोड जाम कर भारी हंगामा किया जा रहा था। केरवार गांव के प्रत्यक्षदर्शी सोनाराम महतो ने बताया कि मृतक 23 वर्षीय अमर महतो और 35 वर्षीय विक्रम महतो निकट के जामखोरी गांव का रहने वाले थे। दोनों एक ही परिवार से है। अमर और विक्रम अपनी बाइक नंबर JS17P5554 से गांधीग्राम से मार्केटिंग करके परसवानी मुख्य मार्ग से होकर अपने घर जामखोरी जा रहे थे। तभी केरवार मोड़ के समीप पीछे से आ रहे महालक्ष्मी कंपनी के हाईवा नंबर JS17H6093 के ने बाइक सवार दोनों युवकों को कुचल डाला। गाड़ी का अगला चक्का दबने से दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवा का ड्राइवर और खलासी वहां से फरार हो गया।